सरकार गरीबों के उत्थान के लिए सैकड़ों योजनाएं चला रखी है, मगर प्रशासन उन योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाए और सरकारी आंकड़ों में योजना का सफल बताकर अपनी पीठ थपथपाते और आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि योजनाओं में लाभार्थियों की निगरानी करने कोई कमेटी नहीं जाती है, नहीं बनी है, बल्कि मंत्री अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही योजना की समीक्षा कर लेते हैं। चार ईंटों पर परिस टूटी हुई झोपड़ी को अगर घर कहते हैं तो घर कहिए, मकान कहते हैं तो मकान कहिए, वैसे देखने वाले इसे चमकते हुए हिंदुस्तान की सबसे भद्दी तस्वीर कह रहे हैं। अंधेरों से आवाज इस टूटी हुई झुग्गी का दर्द समझने से पहले इस बूढ़ी माँ की तकलीफ सुनिए। डिजिटल इंडिया इस दर्द से सिहर उठेगा। कहने को तो गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, मकान मिल रहे हैं, अनाज मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, लेकिन गरीबी की ढलान पर यह बैठी बूढ़ी माँ के लिए शायद हर योजना मर गई। बार बार जाके आई हूँ, कोई सुने भी नहीं दी है, अरे किसी कोई भी सुने नहीं। राजसमंद के भीम उपखंड की पिपली नगर ग्राम पंचायत की रहने वाली नीनू बाई लड़खड़ाते पैरों से हर दरबार में गई, सरकार के हर दरवाजे पर कराहती आवाज से गुहार लगाई, लेकिन अफसोस सरकार के क्रम पर चलने वाली एक भी योजना का लाभ इस बुजुर्ग की झोली में नहीं आया। 60 साल की नीनू बाई के बेटे की पत्नी से 10 साल के मुखबधिर बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जिससे नीनू बाई का बेटा मानसिक तौर से बीमार हो गया। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और हाकिम सुन नहीं रहे। पंचायत में और सब जगह जा जाके बहुत चक्कर काटे, फोटो वगैरह आवेदन करवाए, कोई पंचायत ने कोई सुनवाई की नहीं है। और अभी आखिर में इसका मकान देखने जाओ तो ऐसी हालत है, इसकी पोजीशन देखो तो चादर नहीं है, वो नहीं है। अब जरा साहब को सुन लीजिए, ग्राम सचिव हैं, लेकिन खबर ही नहीं कि गांव में चल क्या रहा है। जी मीडिया से हुजूर को पता चला कि गांव में जनता भूखी मर रही है, उसे किसी सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उनके घर पे जाके उनके दस्तावेजों की जांच कर, उन दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनके पात्रता के अनुसार जो योजना में उन पात्र होंगे उस योजना में उनको लाभ दे दिया जाएगा जल्द से जल्द। गरीबों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अफसरों और जिम्मेदारों की लापरवाही से गरीबों तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सरकार ऐसे गैर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब करेगी। विनीता पालीवाल, जी मीडिया, राजसमंद।